हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभाषी देव शिखा में मैं शिखा एक और नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज का दिन मेरा कितना बिजी जाने वाला है। आज मुझे दो दो पार्टीज अटेंड करनी है, एक बर्थडे पार्टी और एक एनिवर्सरी पार्टी, यू नो, ऑन द सेम टाइम। सो तो मुझे मैनेज करना है। सो बिजी मेरा दिन इसलिए जाने वाला है क्योंकि जो बर्थडे पार्टी है वो मेरी फ्रेंड की ट्विंस बेटियों का है, ईशा एंड ईशाना। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड उनके जो बर्थडे डेकोरेशन है वो मुझे करनी है। और उनके फरमाइश के अकॉर्डिंग उनको बैलून नहीं चाहिए और कोई पर्टिकुलर थीम भी नहीं चाहिए, उनको पूरा डेकोरेशन फ्लावर्स और कर्टन्स यूज करके ही करनी है, मतलब चाहिए तो समथिंग डिफरेंट, यू नो। तो अब वो डेकोरेशन मुझे करनी है। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँ आप सबको, डेकोरेशन इज़ माई हॉबी टू। तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर में रखी हुई हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि साथ जो डेकोरेशन उनको चाहिए वो मेरे पास सारा सामान है, कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या सामान है और हम इस डेकोरेशन में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो स्टे विद मी। तो देखें, ये बॉक्स है, इसमें मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जैसे पुश पिन, टेप, सीजर, थ्रेड, यू नो, और कलरफुल पेपर, एवरीथिंग। अब एक एक चीज़ मैं नहीं दिखा रही हूँ निकाल के, छोटी छोटी चीज़ें, इसीलिए तो मैंने इसमें एक बॉक्स में रखा और मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और हम ये हम स्टैंड यूज़ करेंगे जो पीछे बैग जिसमें हम कर्टन फिक्स करने वाले हैं, तो बिग स्टैंड है। इन सब के लिंक में मैं दे दूंगी, अगर आपको किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हो। एंड ये है, यू नो, राउंड आर्च स्टैंड, तो इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये देख सकते हो आप, ये मेरे पर्दे का बॉक्स है, तो इसमें कुछ वाइट पर्दे हैं, कुछ यू नो रेड पर्दे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। व्हाइट का कॉम्बिनेशन एक अमेजिंग होता है, और जब उसका हम डेकोरेशन करते हैं ना, तो बिलीव मी, इतना सुंदर डेकोरेशन होता है। ये सब चीज़ें अभी निकाल के रख रही हूँ क्योंकि जो बर्थडे पार्टी है और मेरी फ्रेंड है वो मुझे पिक करने आएगी, और ये सब मैं भूल ना जाऊँ, कुछ भी भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं पहले से निकाल के रख रही हूँ। अब इसको निकालने के बाद मुझे रेडी भी होना है, और आप सबको बताऊं मैं कि मुझे सजना भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी, मैं कोई मौका नहीं छोड़ती सजने का। तो मुझे अपने लिए एटलीस्ट एक घंटा तो चाहिए होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई हौच पौच ना करूँ, पार्टी के लिए अच्छी तरह से रेडी होके टाइम से पहले मैं रेडी हो जाऊँ, ताकि जब मेरे फ्रेंड्स आए मुझे पिक करने मैं उनको रेडी मिलूँ और सारा सामान भी रेडी रहे, और फिर मैं वहाँ जाके आराम से डेकोरेशन करूँ, पार्टी इंजॉय करूँ कुछ टाइम के लिए, और फिर दूसरे पार्टी के लिए फिर वहाँ से हम निकलें। तो डेकोरेशन मैं आगे दिखाऊंगी मैं आपको, तो मेरे साथ बने रहो। ये रेडी करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो मैंने सोचा अपना जिम निपटा लेती हूँ। तो मैं जिम के बाहर पहुँच गई हूँ, पार्किंग लॉट से जा रही हूँ। पार्किंग थोड़ा सा दूर मिला मुझे क्योंकि आज सैटरडे है, तो पार्किंग पूरा फुल हुआ पड़ा है। जब मैं घर से निकल रही थी तो देव ने मुझे कहा कि अंदर से जाना, हाईवे से मत जाना, अंदर से अगर मैं आती तो 20 मिनट लग जाते। हाईवे से आई हूँ
तो 6-7 मिनट में पहुंच गई और मेरे पास 5 मिनट अभी है। तो दीप को पता चलेगा तो गुस्सा होगा, बट हो मैं आ गई अब। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको। ड्रेस अप एंड फाइनल लुक। सो गाइज, हम निकल चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है क्योंकि मैं अकेले जा रही थी पहले, मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे पिक करने, पर मेरे पति देव ये थोड़ी वरीड हो रहे हैं कि मुझे सारा काम अकेले करना पड़ेगा। यू नीड हेल्प, सो अभी ये मेरे साथ जा रहे हैं। हाय बोलो। हेलो गाइस। आहान हाय बोलो। माय सन। यहाँ से आई थिंक 20 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स फार है, तो वहाँ पे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हम वेन्यू पे पहुँच गए हैं। ये रहा मेरे डेकोरेशन का फाइनल लुक। कमेंट करो और बताओ कैसा हुआ है, और अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे और भी बेहतर बना सकूं। डेकोरेशन ख़त्म हो गया था टाइम पे, तो मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही हूँ मेकअप में। हेलो, ये रचना, ये प्रियंका। हेलो शिखा, वंडरफुल डेकोरेशन। थैंक यू। देखी डेकोरेशन? हाँ, बहुत अच्छी है उसको। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ दूसरी पार्टी में जाने के लिए। मैंने चेंज कर लिया है, ये मैंने पहना है चेंज करके। मामा,
सो वो एक होटल में थी पार्टी, बर्थडे पार्टी, अब ये घर में है. सो ये हम जा रहे हैं. देखो गाइस, यहाँ पे इंडिया की तरह इतनी रौनक नहीं होती है. घर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं पर यहाँ कोई बाहर नहीं दिखाई देता, सब अपने घर के अंदर. वैसे यहाँ पे ठंड है बट गर्मी होती है तो भी ऐसा ही रहता है यहाँ पे. हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं गाइस. देखो यहाँ के हाउसेस सब इतने बड़े बड़े हैं और बहुत ही सुंदर. दिस इज द हाउस जहाँ हम आए हैं. रात के 12:30 बज चुके हैं और ये हमारा लास्ट एंड ऑफ द वीडियो है और हम घर की तरफ जा रहे हैं. काफ़ी थक चुके हैं सारा दिन दो एक्टिविटी करके. सो गुड नाइट गाइज़.